आज हम देखने वाले हैं चार प्रकार के साउथ इंडियन चटनी की रेसिपी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देखेंगे टमेटो चटनी की रेसिपी। पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेना है, तेल को गर्म होने देना है, फिर उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच चना दाल, 3 बड़े चम्मच उड़द दाल और इसे हल्का सुनहरा रंग आने तक सौते करना है। अब ये दाल ऑलमोस्ट पक चुकी है, फिर डालेंगे 3 कश्मीरी लाल मिर्च, 5 से 6 कड़ी पत्ते, 6 से 8 लहसुन की कलियां और 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे। फिर डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और इसे भी सौते करना है 2 मिनट तक। अब इसमें डालेंगे 3 टमाटर, 5 मिनट तक। फिर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 बड़ा चम्मच नमक। नमक से टमाटर जल्दी गल जाएगा। अब ये मिक्सचर पक चुका है, इसे हम ठंडा होने देंगे, फिर डालेंगे मिक्सर जार में। फिर डालेंगे 1/2 इंच इमली, 1 बड़ा चम्मच चीनी। इस मिक्सचर को अब हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। अब ये ग्राइंड हो चुका है, इसे हम एक बोल में डालेंगे। फिर बनाएंगे चटनी के लिए तड़का। पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, तेल को गर्म होने देना है, फिर उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच राई और राई को स्प्लटर होने देंगे। फिर 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 सूखी हुई लाल मिर्च। इसे 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। और फिर इस तड़के को डालेंगे चटनी पर। तड़के से चटनी में अच्छा स्वाद आता है। टमेटो चटनी बनकर तैयार है। अब देखेंगे ग्रीन कोकोनट चटनी की रेसिपी। उसके लिए पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 1 कप ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है। फिर डालेंगे 6 से 7 पुदीने के पत्ते, 1/2 कप हरा धनिया, 1 मिनट तक सौते करना है। फिर फ्लेम को ऑफ करना है और इस मिक्सचर को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। उसमें डालना है 1 इंच अदरक, 1 बड़ा चम्मच रोस्ट की हुई चना दाल, 1 अक्खी हरी मिर्च, कड़ी पत्ते 6 से 7,
एक इंच इमली, एक टीस्पून नमक और पानी आधा कप, इसे ग्राइंड करने के लिए। अब ये फाइनली ग्राइंड हो चुकी है। इस चटनी को एक बोल में डालेंगे। अब चटनी के लिए बनाएंगे तड़का। उसके लिए लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई डालेंगे और 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 6 से 7 कड़ी पत्ते, और इन सबको 2 मिनट तक मिक्स करना है। ये तड़का बनकर रेडी है। इसको चटनी के ऊपर डालेंगे। साउथ इंडियन ग्रीन कोकोनट चटनी बनकर तैयार है। अब हम देखेंगे साउथ इंडियन स्टाइल पीनट चटनी की रेसिपी। पैन में 5 बड़े चम्मच तेल लेना है। उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इसे मिक्स करना है। फिर डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। फिर डालेंगे 1 इंच अदरक और 7 से 8 लहसुन की कलियां। इन्हें सौते करना है। फिर डालेंगे 1 कप मूंगफली यानी पीनट्स और इसे 15 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे। इसका कलर जो है वो ब्राउनिश होने तक इसे हमें स्टर फ्राई करना है। अब ये थोड़े से सुनहरे लगने लगे हैं, गैस को ऑफ करना है। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर में डालेंगे। फिर डालना है 1 हरी मिर्च, 1 इंच इमली, 1 कप कटा हुआ नारियल, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 कप पानी, या उससे ज़्यादा पानी लगता है तो भी डालकर इसे फाइनली ग्राइंड करना है। अभी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब चटनी के लिए तड़का बनाना है। उसी पैन में 3 बड़े चम्मच तेल लेना है। उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून राई। राई को स्प्लटर होने देना है। फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। एक लाल मिर्च
फिर डालेंगे आधा टीस्पून उड़द दाल। उड़द दाल को ब्राउन होने तक सौते करना है। फिर डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते और मिक्स करेंगे। तड़का बनकर तैयार है, इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। साउथ इंडियन स्टाइल पीनट चटनी बनकर तैयार है। अब हम देखेंगे साउथ इंडियन स्टाइल व्हाइट कोकोनट चटनी की रेसिपी। मिक्सर जार में एक कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रोस्ट की हुई चना दाल, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, 1 इंच इमली, 1 टीस्पून नमक और 1/2 कप पानी ग्राइंड करने के लिए, और इसे फाइनली ग्राइंड करेंगे। अब ये ग्राइंड हो चुकी है, इसे एक बोल में डालेंगे। फिर बनाएंगे चटनी के लिए तड़का। उसके लिए 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल। उड़द दाल को सुनहरा रंग आने तक सौते करना है। फिर डालेंगे 1 टीस्पून राई। राई को स्प्लटर होने देना है। उसके बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग, 6 से 7 कड़ी पत्ते, 1 सूखी हुई लाल मिर्च। मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये तड़का बनकर तैयार है, इसे हम चटनी के ऊपर डालेंगे। इससे चटनी में काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। साउथ इंडियन स्टाइल कोकोनट चटनी बनकर तैयार है।